नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आ रही है। जी हां, यूपी में कैबिनेट विस्तार से ऐन वक्त पहले इस्तीफे का दौर जारी है। लगातार कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस्तीफे की वजह का पता तो फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन कैबिनेट विस्तार से ठीक एक दिन पहले इस्तीफा दिया जा रहा है। अभी तक यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके बाद खबर जैसे आई कि अनुपमा जायसवाल, स्वाति सिंह, मुकुट बिहारी, चेतन चौहान, इन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि राजेश अग्रवाल ने जब इस्तीफा सौंपा तो जो जानकारी आ रही थी कि उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र का जिक्र किया कि अब वो 75 पार हो चुके हैं और अब ऐसे में वो उनकी सेहत ठीक नहीं रही थी। लेकिन अगर ये जो देखें हम कि जिस तरह से इस्तीफा दिया जा रहा है, ठीक एक दिन पहले कैबिनेट विस्तार जब बुधवार को होना है, उसके पहले जब इस्तीफा दिया जा रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कैबिनेट विस्तार में देखने को मिलेगा कि कभी किसी मंत्री का कद बढ़ाया जा सकता है, किसी पर प्रभार जो है वो ज्यादा दिया जा सकता है, तो किसी को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तो उसके पहले जब ये इस्तीफा दिया जा रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले से ही शायद इन्हें इस बात की जानकारी है, या तो इन्हें नई जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसलिए इस्तीफे का दौर जो है वो लगातार जारी है। राजेश अग्रवाल के बाद अनुपमा जायसवाल, स्वाति सिंह, मुकुट बिहारी, चेतन चौहान, इनका इस्तीफा आ चुका है। कल कैबिनेट विस्तार होना है। आपको बता दें कि पहले ये कैबिनेट विस्तार जो है वो सोमवार को होना था, लेकिन अब बुधवार को कैबिनेट विस्तार होना है। और अभी अभी जो खबर आ रही है कि राजेश अग्रवाल के बाद अब ये तीन नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजेश अग्रवाल तो हालांकि ये कह रहे थे कि उनकी सेहत खराब रहती है और बढ़ती उम्र का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन जिस तरह से इस्तीफे का दौर जारी है, आप समझ सकते हैं कि या तो इस बात का अंदाजा पहले से लग गया है मंत्रियों को कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, या तो नई जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। इसलिए इस्तीफा पहले से दिया जा रहा है।